हेलो स्टूडेंट्स, माय यूट्यूब चैनल सिविल इंजीनियरिंग सक्सेस मंत्रा में आपका स्वागत है। आज हम स्टडी करने वाले हैं एक्सटर्नल प्लास्टर थिकनेस। साइट पे हम जब वर्क करते हैं तो एक्सटर्नल प्लास्टर का थिकनेस कितना चाहिए, ये अपने को आज स्टडी करना है। तो हम स्टडी करते हैं 12 mm थिक सिंगल कोट प्लास्टर, इट इज़ 12 mm थिक एंड अप्लाइड ऑन वॉल्स एंड सीलिंग इन सिंगल कोट। सिंगल कोट में थिकनेस जो है प्लास्टर की वो 12 mm रहती है। सेकंड, 20 mm थिक डबल कोट प्लास्टर, इट इज़ अप्लाइड इन टू कोट 12 mm एंड 8 mm वन आफ्टर द अदर रिस्पेक्टिवली। जब डबल कोट प्लास्टरिंग अपने को करना होगा तो उसमें पहले 12 mm का कोट आता है प्लास्टर का, उसके बाद में 8 mm का कोट आता है। नेक्स्ट, सीमेंट एंड फाइन एग्रीगेट का जो कोई रेशो है वो कितना चाहिए, तो वो चाहिए 1:6, 1 part ऑफ सीमेंट एंड 6 part ऑफ फाइन एग्रीगेट फॉर इंटरनल प्लास्टरिंग। और एक्सटर्नल प्लास्टरिंग रहा तो 1:4 फॉर एक्सटर्नल प्लास्टरिंग को सीमेंट मॉर्टर का प्रोपोर्शन चाहिए, मींस 1 part ऑफ सीमेंट एंड 4 part ऑफ फाइन एग्रीगेट। आपको मेरा वीडियो कैसे लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए माय यूट्यूब चैनल सिविल इंजीनियरिंग सक्सेस मंत्रा। थैंक यू।